गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि हमने कल आपको करवाया था, उसे हमने कई वर्ण बना के दिखाए थे। तो उसके अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले एक चौक का टुकड़ा ले लेना है इस प्रकार का, ठीक है। और उसको पहले थोड़ा हम घिसा लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। जैसे ही उसके अंदर निशान पड़ जाता है तब हम उन वर्णों को लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। और लिखने से पहले आप एक सावधानी जरूर बरतेंगे। जैसे हम कोई शब्द लिखते हैं, अगर हम चौक को लेके सीधा लिखेंगे तो यहां पर देखियो ये चीज नहीं आनी चाहिए। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो अक्षरों की बनावट अच्छी तरह से नहीं होगी। हमने जो भी लिखना है वो हम कैसे करेंगे, हमें इस एंगल पर उन वर्णों को रखना है, ना कि सीधा। अगर आप इस प्रकार से चौक पकड़ेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग में काफी इंप्रूवमेंट होगा, और इस प्रकार अगर हम लिखेंगे तो वो अक्षरों की बनावट नहीं बन पाती जो हमें चाहिए। आज का जो हमारा वर्ण है वो है हमारा ई, ठीक है। आज हम ई को लिखना सीखेंगे और ई से हम कितने वर्णों को बना सकते हैं वो भी आज जानेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आप चाहो तो शुरू में ही हम शिरोरेखा बना सकते हैं, इससे हमें अक्षरों का पता लग जाता है कि हम कितना हमें साइज लेना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम ई बनाना। सबसे पहले हम इस प्रकार लिखेंगे, मैंने कहा था जो आपका एंगल थोड़ा तिरछा आना चाहिए तभी आपके अक्षरों की बनावट अच्छी बनेगी। और जैसे ही हमने इसको यहां से शुरू किया, यहां पर लेकर आए, जैसे ही हमने चौक को छोड़ा उसी एंगल से हम आगे शुरू करेंगे। ये देखिए, ठीक है। अगर हम इसको हाईलाइट करें तो हमारा जो ये वर्ण है अच्छे से उभर कर आ जाएगा और इसकी शेप आपको बहुत सुंदर दिखाई देगी। देखिए, ठीक है। इस प्रकार हम ई का निर्माण करते हैं और इसी ई से हम और भी अन्य वर्ण बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे हम जानते हैं इस वीडियो में, देखते रहिए। हमने ई का निर्माण कर लिया, अब हम ई का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं, हम इसी के ऊपर मात्रा लगा देते हैं तो हमारे दो वर्ण इसी से बन जाते हैं। और अगर हम बात करें अंग शब्द की, ठीक है, क ख ग घ अंग, तो उसमें भी हम सेम पैटर्न है हमारा, लेकिन हम जो ये नीचे हम लगाते हैं इसको नहीं लगाएंगे तो हमारा पैटर्न वही है। तो इससे ये शब्द बन गया, ये वर्ण बन गया। उसके बाद जब हम अड़ शब्द का, अड़ जो वर्ण है हमारा उसको लिखते हैं, उसके अंदर भी यही पैटर्न है। देखिए बन गया यही ए, जो पहले ई बनाई थी हमने, दूसरा बड़ी ई, तीसरा अंग, चौथा अड़। अगर हम इसी शब्द, इन्हीं शब्दों को, वर्णों को देखें तो हम यहां से इसको झ भी बना सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। इस प्रकार हम इन्हीं शब्द वर्णों से अन्य वर्ण भी बना सकते हैं। आप इन्हें बना बना के देखें, ठीक है। ये देखिए, समझ में आया। तो हम इस प्रकार इन वर्णों को सीखते रहेंगे। अगले वीडियो में हम बनाते हैं कोई नए वर्ण के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।